अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक फ़्लावर डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी सा ये फ़्लावर है। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी मेरी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर की, बार बार रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये शिल्पा का क्रोशियो थ्रेड लिया है। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। व्हाट्सएप पर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करके इसे परचेस करना होगा। 7 नंबर 0.95 mm की हमने यहाँ पर नीडल ली है। ये नीडल मैंने लोकल मार्केट से ली थी, आप इसे अमेज़ॉन वगैरह पर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्लिप नट ले लेना है, मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरीके से फिंगर पर क्रॉस में आपने धागा फोल्ड करना है और इस धागे को यहाँ पर बाहर लेकर आना है इस तरीके से। देन 3 चैन लेनी है, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेकर गैप में आपने डबल क्रोशियो बनाना है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशियो बन गए। अब आपने लेनी है 2 चैन आगे बढ़ने के लिए। हम यहाँ पर 6 पेटल्स वाला फ्लावर बना रहे हैं। 2 चैन लेकर गैप में आपने 2 डबल क्रोशियो टुगेदर बनाना है, साथ में बनाना है। तो इसके लिए हम 2 धागों को ऐसे ही रखेंगे, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके सेम गैप में पहले 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 3 धागों में से बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चैन लेंगे, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। 2 धागों को वैसे ही रखेंगे, नीडल में धागा फोल्ड करके गैप में डबल क्रोशियो पहले 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 3 धागों में से बाहर आ जाएंगे। और ऐसे हमें टोटल 6 गैप्स बना लेने हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट आपने 2 चैन लेनी है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे खींचते हुए यहाँ पर अच्छे से लॉक कर लेना है आपने, और 2 चैन लास्ट में लेकर स्टार्ट में जो हमने ये 3 चैन ली थी उसकी 3rd चैन के गैप में आपने स्लिप स्टिच ले लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप्स आपके रेडी हो गए। अब ये जो डबल क्रोशियो है फर्स्ट, इस पर आपने स्लिप स्टिच बनाना है क्योंकि हमें गैप तक जाना है। डायरेक्टली गैप में जाएंगे तो यहाँ पर खिंचाव दिखेगा, फिर गैप में आपने एक स्लिप स्टिच बनाना है और यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो अब जिसके लिए हमें क्या करना है, पेटल बनाने के लिए पहले हम लेंगे 2 चैन और गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशियो। 1 नॉर्मल डबल क्रोशियो बनाना है हमें, 2 एंड 3, देन 2 चैन गैप में सिंगल क्रोशियो बनाएंगे और ये हमारा एक पेटल इस तरीके से बन के रेडी हो गया। ऐसे ही हम 6 पेटल्स रेडी करेंगे। अब डायरेक्टली आप दूसरे गैप में जाओगे, पहले आपने बनाना है सिंगल क्रोशियो, फिर लेनी है 2 चैन, फिर आपने गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाना है, 1, 2 एंड 3। फिर लेंगे हम 2 चैन और गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशियो। ऐसे ही हम 6 राउंड्स बना लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। इस तरीके से देन 2 चैन एंड सिंगल क्रोशियो। ऐसे ही मैं पूरे 6 राउंड सबको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारा ये फ्लावर बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे एंड कैसे करना है।
इसके अलावा अगर आप इसे डबल लाइन या तीन लाइन वाला फ्लावर बनाना चाहते हैं तो कल की मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे सेकेंड चैनल पर अर्बिना बुटीक पर, मैंने वो वीडियो अपलोड की है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसे एंड करेंगे। जैसे ही 6 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाए, यहीं से आपने बैक में जाना है, सिंपली एक धागा उठाना है और यहाँ पर लॉक कर लेंगे। 2 चैन ले लेंगे एक्स्ट्रा ताकि ये धागा खुले ना, देन कट कर लेंगे, यहाँ पर अच्छे से लॉक कर लेंगे और सारे धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। अच्छे से आपने लॉक करना है, एक्स्ट्रा जो धागा है इसे आप कट कर लो और आपका फ्लावर रेडी है। ये देखें, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। एक मिनट, मैंने आप लोगों को ये फ्लावर नहीं बताया। अगर आप इसे जाड़े धागे से बनाते हैं, 6 प्लाई यान से बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और पतले धागे से बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।